सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एट हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक आ गाय की एग्जाम्पल भी दी ये वो बिहेवियर है जो आपको सेट करना पड़ेगा अच्छा मजहब के अंदर के अंदर भी अगर मैंने जैसे बहुत सारी दफ़ा मैंने एग्जाम्पल भी दी ये पाँच वक्त जो सोइयाँ हैं वो आपके टाइम को ठीक करती हैं आपका बेशुमार जो वर्किंग टाइम होता है यह आज मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि आप ये देखेंगे कि जब आप नौ बजे से लेकर अपने आप को स्लीप में ले आते हैं तो स्पिरिचुअली भी आपकी जो सोल है वो आपकी फिजिकल बॉडी से अलग हो जाती और आप जो है वो उसको आराम देते हैं और अगर आप उसको आराम नहीं देते कि आपके ऊपर जिम्मेदारी यानी आपने जिसम आपने स्पिरिचुअल मॉड से अपने आप को हटा दिया यानी रूह को प्रवास करने नहीं दिया आपने आराम नहीं दिया आपने सुकून नहीं दिया अभी आप देखते हैं कि लोग चौबीस घंटे जो हैं वो अपने आप को अपने जिसम को आराम नहीं देते और हर वक्त काम की लगन के अंदर तो रू प्रवास कब करेगी और वो आराम कब करेगी तो थक जाएगी तो वो क्या आपके जिसम में रहना कबूल करेगी या नहीं करेगी दैट इज द डिफरेंट स्टोरी अब एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर क्या है तो टाइम लाइन के साथ चलना फिर वो क्या है कि वक्त है मैक्सिम टाइम जब आपका छः बजे शुरू होता है तो उसके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस टाइम जो है यानी किसी भी डेवलपमेंट का इंडस्ट्री के चलने का मैकेनिज्म का बाजार का मार्केट का टाइम आपका छः बजे से शुरू होता है और आपका बारह तक जो है वो चलता है फिर उसके बाद आपके जो है उसकी क्लोजियर टाइम्स शुरू हो जाते हैं एक्चुअल तो होना ये चाहिए आपकी शिफ्ट भी चलती हैं आठ आठ घंटे की शिफ्ट चलनी और अगर आप रात में भी चलाते हैं तो उसको किस तरीके से चलाते हैं अब हम देखते हैं कि अचीवमेंट क्या कहती है करते हैं लिखते हैं कि इफ द द ऑफ कैपिटलिज्म एग्री ऑन दे एग्री ऑन द फैक्ट दैट विद द राइज ऑफ कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन अ न्यू क्लास ग्रुप ऑफ मैन सो यहाँ पे एक

बिजनेसमैन की तकसीम ये होती है कि एक ताजर होता है ताजर के अंदर ये होता है कि उसका सिर्फ मोटिव प्रॉफिट होता है उसको कल्चर से लेना नहीं देना होता उसका सोशल क्लास स्टेटस कल्चर से लेना देना नहीं होता एंटरप्रेन्योर क्योंकि उस क्लास और कल्चर से रिलेट नहीं करता बेसिकली वो उस एलीट को देखता है और उनके स्ट्रक्चर्स को अपनाता है फिर उनको रिजेंबल करता है फिर उनका जैसा कपड़ा पहनना उसका उठना बैठना कैसे वो सीखते हैं नेगोशिएट करते हैं बिजनेस करते हैं एक जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके बिजनेस स्कूल्स में आपको सूट पहनना सिखाया जाता है आपको उस क्लास में उठना बैठना सिखाया दिखाया जाता है आपने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है बिजनेस टर्म्स इस्तेमाल करनी है या इकनॉमिक्स की वो टर्म्स इस्तेमाल करनी है फाइनेंस की वो टर्म्स इस्तेमाल करनी है जिससे आपका वक्त और इकोनॉमी अफवर्ड्स हो आपके पास वहाँ तकरीर करने का टाइम नहीं होगा वहां पर आप लंबी लंबी बातें नहीं कर सकते या आप अगर वहां कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप निगोशिएशन ऑन द बेड टेबल आप विन नहीं कर सकते so, कहा गया कि ये जो बोशवास है ये बेसिकली वो क्लास है जो कि कहीं पर भी नहीं होती तो किसी भी क्लास को यानी ये इनके अंदर वो पोटेंशियल होता है कि अपने आप को राइज अप करते हैं टू द लेवल ऑफ एलीट या अपने आप को खेच के यानी कल को वो माइनस या जीरोस पे थे अब वो में कंसिडर होंगे मसलन ये वो लोग होते हैं जिनको बोशवा कहते हैं सो so, ये लोग पॉलिटिक्स में भी आते हैं फिर आप लोगों को सेनेट में भी मिलते हैं फिर आपको असम्बली में भी मिलते हैं इनके बिजनेसिस भी होते हैं लेकिन मुमकिन तौर पर ये खानदानी तौर पर वो चीज़ें शायद वो एक्वायर ना करते हो सो so, अब आंट्रप्रियल रोल क्या है जी मॉडरेट रिस्टेकिंग होती है एज अ फंक्शन ऑफ स्किल नॉट चांस और देन इज एनर्जेटिक द नोवल इंस्ट्रोमेंटल एक्टिविटी सर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉलेज ऑफ रिजल्ट ऑफ डिसीजन मनी एज ए मेयर ऑफ रिजल्ट यहां बड़ा इंपॉर्टेंट बात है मनी एज ए मैयर ऑफ रिजल्ट इस मच इम्पॉर्टेंट देखो आ, इसके ऊपर बहस खत्म कर देनी चाहिए कि आप आ, कैसे किसी चीज का को गेज करेंगे सेहत को गेज करने के लिए मेरा लेवल है यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे सेल्स कितने बन रहे हैं मैं एन तो नहीं हूँ मेरे आ, टोटल सी, सी काउंट कितना है मेरे आ, जो है होमोग्लोबिन कितने है। मेरे होमोग्लोबिन की एक रेशो है यानी मेल के अंदर जो है तकरीबन तेरह से सत्रह के दरमियान में होना चाहिए खातिन के अंदर तकरीबन जो है वो बारह से चौदह की रेशो के अंदर होना चाहिए अगर आपको इससे कम है तो आप एन एम एक् तो यहाँ पे नंबर कैलकुलेट हो रहा है ना तो पैसों के हिसाब से अगर आपको रिजल्ट्स को मैयर किया जाता है सो वॉट्स बैड इन इट सो so, आंट्रप्रेनिर्स की बहस के अंदर जब ये कहते हैं कि हमने ये आइडिया लिया तो देखो इक्वली अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर रिजल्ट को मैयर किया जाएगा तो कामयाबी आपके पैसे के रिजल्ट्स पे ही आएगी कि हाउ मच शेयर्स यू हैव इन मार्केट दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी बट आंट्रप्रियोर मुमकिन है कि वो शेयर्स ज़्यादा ना बढ़ा रहा हो लेकिन उसका जो है उसकी ब्रांड इक्विटी बहुत ज़्यादा हो उसके फिलन काम ज़्यादा हो उसने फिलेंट्राफी बहुत ज़्यादा कर रखी हो दैट ऑल्सो बी कंसिडर एज यानी उसने शेयर ना बढ़ाए हो लेकिन उसने सोशल वर्क इतना ज़्यादा कर दिया हो तो उसके उस सोसाइटी में नाम बन जाए सो so, बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकते एंटिसपेशन ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्किल देखें वही एक आम आदमी होता है जैसे आप एग्जाम्पल ले लें मैं बहुत लंबी एग्जाम्पल नहीं देता लेकिन आपने इंडिया में भी देखा होगा आ, इंडिया में अगर हम गांधी साहब की एग्जाम्पल लें तो उन्हें जो आश्रम बनाया था उसके अंदर छोटी छोटी स्किल लेबर फोर्स काम कर मुख्तलिफ चीज़ें बनती थी इसी तरीके से हमारे कई सूफिया ने भी ऐसे काम किया उनके डेरों के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें चलती थी कोई बांध बनाता था कोई लकड़ी का काम करता था उसको स्पेस दे दिया करते थे कोवर्किंग स्पेस का कल्चर जो है वो पहले बहुत ज़्यादा आम होता था अभी आपने के लिए ये एक बिल्कुल नई टर्म है कि कोवर्किंग स्पेस होती है आप कैफेज़ के अंदर जगह ले लेते हैं आप वहाँ काम करते हैं आइडियाज शेयर करते हैं एक्टिविटीज़ होते हैं लेकिन ए साहब जैसे एग्जाम्पल ले लें तो उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया फिर आप जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को आप देखते हैं आपके अंदर स्किल्स होते हैं आप फिलन ट्रॉफी की तरफ भी आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर देते हैं अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अर्निंग कर रही है एन जी ओ आर्न कर रही है यूनिवर्सिटी अर्न कर रही है लेकिन उसका जो बनाने वाला है वो मुमकिन है पैसे ना ले रहा हो लेकिन डेवलपमेंट तो है ना जी सो दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्किल वर्क सो अब हम यहां देखते हैं कि अचीवमेंट और बिहेवियर अचीवमेंट को अलग गेज किया और जो बिहेवियर है या आपने बोशवास को देखा तो बिजनेस मैन का मोटिव पैसा है शेयर है मार्केट शेयर है कितना पैसा कमाएंगे कितना शेयर है और एंटरप्रेन्योर का स्टेटस है अचीवमेंट है माशरा है सोसाइटी है एक्नॉलेजमेंट है वेयर आई स्टैंड दिस इज